भूमिगत जादुई हैंडपंप मैंगो जूस। मोहन बहुत ही गरीब आदमी था। वो गांव-गांव घूमकर कबाड़ उठाता था और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन उसे कबाड़ नहीं मिलता, तब वो घर खाली हाथ वापस आते रहता है कि तभी उसे बाजार में एक जगह जंग चढ़ी हुई खराब हैंडपंप दिखाई देता है। उसे देखकर उसके मन में विचार आता है, इस हैंडपंप को उखाड़ कर बेच दूं क्या? वैसे भी आज कुछ नहीं मिला, घर में सीता मेरी राह देख रही होगी, क्या करूं? लेकिन किसी ने मुझे देख लिया तो वो चोर ही समझेंगे मुझे। ये सोचकर वो वहां से घर चला जाता है। मोहन को देखते ही सीता कहती है, क्या हुआ जी, आज खाली हाथ? यो खाली हाथ क्यों आए? अब मैं क्या बनाऊंगी? मुन्ना कब से खाने के लिए राह देख रहा है। तभी उसका बेटा मुन्ना वहां आता है और वो कहता है, माँ माँ अब तो पिताजी आ गए ना, अब तो कुछ खाने को दो मुझे। मुन्ना खाने के लिए सीता को परेशान करने लगता है। तब सीता मुन्ना को मार देती है और मुन्ना रोते हुए वहां से घर के अंदर चला जाता है। मोहन को सीता और मुन्ना की हालत देखी नहीं जाती और वो सीधा उस पुराने हैंडपंप के पास जाता है और कहता है, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैं बस अपने बेटे को एक समय का खाना देने के लिए इस हैंडपंप को यहाँ से उखाड़ना चाहता हूँ। वैसे भी ये हैंडपंप किसी काम का नहीं है। ऐसा सोचकर मोहन उस हैंडपंप को जमीन के बाहर निकालने के लिए जोर जोर से उसे हिलाने लगता है। हैंडपंप को उखाड़ने की वो कोशिश करते रहता है कि तभी उस हैंडपंप से आवाज आती है, रुक जाओ भाई, मुझे मत उखाड़ो यहाँ से, कृपा करो मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन हैंडपंप से दूर हो जाता है। तभी हैंडपंप के साइड में जमीन के अंदर एक दरवाजा प्रकट होता है। मोहन दरवाजे को उठाकर जमीन के अंदर जाता है। जमीन के अंदर उसे ढेर सारे आम के पेड़ दिखाई देते हैं, पर किसी भी पेड़ को आम लगे नहीं रहते। अरे इतने सारे आम के पेड़ और एक भी आम नहीं, कमाल हो गया ये तो। मोहन सारे आम के पेड़ों को पास जाकर देखता है ताकि उसे एक तो आम मिले उसके बेटे के लिए। ढूंढते ढूंढते एक पेड़ पर उसे एक आम दिखाई देता है। वो पेड़ पर चढ़कर उस आम को तोड़ लेता है। आम को लेकर वो बाहर आने लगता है कि तभी आम उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो एक विशाल आम में बदल जाता है। तभी ऊपर के हैंडपंप का पाइप उस आम के साथ जुड़ जाता है। ये सब देखकर मोहन कहता है, अरे ये कैसा जादू था, अचानक से आम हाथ से क्या गिरा और ये विशाल भी बन गया। अब देखता हूँ कि हैंडपंप से मैंगो जूस निकलता भी है कि नहीं। मोहन आम के ऊपर जाकर हैंडपंप को चलाने लगता है, पर तभी हैंडपंप से कोई जूस नहीं निकलता और हैंडपंप से फिर से आवाज आती है, अरे मोहन मुझे ऐसे मत चलाओ, पहले मुझे साफ तो कर लो फिर देखो। मोहन हैंडपंप पर लगे जंग को निकालने लगता है। हैंडपंप के चारों तरफ फैला हुआ कचरा वो साफ करता है। अब हैंडपंप चमकने लगता है। तब मोहन फिर से हैंडपंप चलाता है और फिर क्या, उस हैंडपंप से ढेर सारा मैंगो जूस निकलने लगता है। ये देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। जल्दी से वो सीता और मुन्ना को वहां लेकर आता है और उन्हें मैंगो जूस पीने के लिए देता है। मैंगो जूस तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मुन्ना तो चटकारे ले लेकर मैंगो जूस पीने लगता है। सीता और मुन्ना इस तरह से बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी हैंडपंप से और आवाज आती है, अब कल से तुम यही मैंगो जूस बेचकर पैसा कमाओ, पूरे साल भर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी और हाँ तुम्हें ऐसा करने से कोई रोकेगा भी नहीं। दूसरे दिन से सीता और मोहन उस जादुई हैंडपंप से निकला हुआ मैंगो जूस बेचने लगते हैं। लोगों को भी वो मैंगो जूस बहुत पसंद आता है और उसके मैंगो जूस के लिए लोगों की लाइनें लग जाती है। इस तरह से मोहन एक गरीब से अमीर मैंगो जूस वाला बन जाता है। एक गांव में मधु नाम का एक स्कूटर मैकेनिक रहता था। वो साइकिल बाइक रिपेयर करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन मधु शॉप में बैठा था, कस्टमर्स कोई नहीं थे, दोपहर का वक्त था। मधु को भूख लग रही थी तो उसने मन ही मन सोचा, दोपहर हो गई है, कोई कस्टमर भी नहीं है, घर जाकर खाना खाकर आता हूँ। ये सोचकर मधु शॉप खुला ही छोड़कर खाने के लिए घर जाता है। इतने में वहाँ एक लड़का मधु की दुकान पर आता है। मधु को दुकान में ना पाकर वो लड़का मधु के स्टूल पर बैठ जाता है और वहां पड़ी गाड़ी को देखता है। इतने में वहां पड़ोस के गांव से महेश नाम का आदमी साइकिल लेकर आता है। वो लड़के को देखकर, देखो बेटा थोड़ा साइकिल रिपेयर करोगे? इसे क्या हुआ है मालूम नहीं, ये बहुत टाइट चल रही है, थोड़ा देखो तो।
वो लड़का महेश को अनदेखा करता है और इधर उधर देखने लगता है। देखो बेटा, मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? बात सुनो, ये मेरी साइकिल रिपेयर करो। क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो आए हो, थोड़ी देर रुको, बताओ क्या हुआ है। साइकिल बहुत टाइट चल रही है, थोड़ा देखो तो। इतने में पास की दुकान से चाय पी कर आता हूँ, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? महेश अपने मन में ये सोचता है, ये लड़का मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये कुछ और सुन रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये मेरी साइकिल रिपेयर कर दे बस। महेश चाय की दुकान पर चाय पीने जाता है और इधर लड़का साइकिल के सारे बोल्ट और नट खोल देता है और चुपचाप बैठ जाता है। इतने में महेश चाय पीकर आता है। क्यों बेटा, रिपेयर हो गया क्या? हाँ हाँ, ले जाओ। कितने पैसे हुए? कोई बात नहीं अंकल जी, ले जाइए। अरे तुम कितने अच्छे हो, मैंने तुम्हें गलत समझा, थैंक यू बेटा। महेश साइकिल लेकर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाते ही साइकिल जोर से हिलने लगती है। हे भगवान, ये लड़के ने क्या कर दिया, साइकिल क्यों इतना जोर से हिल रही है, अब मैं क्या करूं? ओहो, अरे भाई साइड में, भाई साइड में, मेरी साइकिल में ब्रेक्स नहीं है। अरे भाई थोड़ा साइड में भाई। महेश की साइकिल का पीछे का टायर खुल जाता है। एक टायर पर साइकिल चलता देख सारे लोग हंसने लगते हैं। क्या ये आदमी ऐसे साइकिल चला रहा है? ऐसे भी कोई साइकिल चलाता है? ऐसा कहकर लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इतने में महेश का सामने का टायर भी खुल जाता है। महेश एक बाइक से टकरा जाता है और बाइक वाला आदमी नीचे गिर जाता है। अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? ऐसे भी कोई साइकिल चलाता है? तुम पागल हो गए हो? इतना ही शौक है तो जाकर सर्कस में जमा हो जाओ। देखिए सर जी, मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुमने मेरी बाइक गिरा दी, अब इसका खर्चा कौन भरेगा? 2-3 हजार रुपए लगेंगे, लाओ पैसे निकालो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, ये लीजिए आप 2000 रुपए ले लीजिए और मेरी बात सुनिए। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी साइकिल रिपेयर करवाई और वहाँ से आ रहा हूँ, ये सब हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सारी गलती उस साइकिल रिपेयर करने वाले की है। हाँ अच्छा, कुछ भी हो, तुम मेरी बाइक से टकराए और मेरी बाइक का नुकसान हुआ, अब तुम जाकर उस साइकिल मैकेनिक से पूछो, जाओ। ये कहकर बाइक वाला वहां से चला जाता है। महेश वो दो टायर बगल में डाले हुए साइकिल की बॉडी अपने सर पर रखकर मैकेनिक शॉप पर आता है। वो लड़का वहीं बैठा था। अरे तुमने मेरी साइकिल का सत्यानाश कर दिया, मेरी साइकिल के दोनों टायर खुल गए और ऊपर से 2000 का नुकसान और हो गया। कौन हो तुम, क्या चाहिए और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अरे अभी तो मैं तुम्हारी दुकान पर आया था, तुमने मेरी साइकिल रिपेयर की। मुझे नहीं मालूम। अरे नाटक कर रहे हो क्या, अगर रिपेयर करना नहीं आता तो शॉप क्यों लगा कर बैठे हो? महेश लड़के को डांट ही रहा था कि मधु खाना खाकर दुकान पर आता है। अरे भाई क्यों उस पागल को डांट रहे हो, क्या हुआ? मैंने इस लड़के को साइकिल दी थी रिपेयर के लिए और इसने इसका सत्यानाश कर दिया। पागल को रिपेयर के लिए दोगे तो ऐसा ही तो होगा, फिर भी तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था उसकी हरकतों को, उसकी बातों को। तुमने पागल को शॉप पर क्यों रखा है? मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी शॉप पर कब आया, मैं खाना खाने गया हुआ था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठीक है लाइए दीजिए, मैं आपकी साइकिल रिपेयर कर देता हूँ। मधु साइकिल रिपेयर कर देता है और लड़का वहां से चला जाता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमें किसी से काम करवाना है तो हमें थोड़ा खुद भी सोचना चाहिए, सब कुछ उसी पे नहीं डाल देना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।